तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में 5G देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5G फ़ोन में एक 5G मॉडम होना चाहिए, या तो जो चिपसेट है उसी के अंदर ऑलरेडी 5G डाल के दे दिया जाता है, 5G मॉडम दिया जाता है, ताकि जो चिपसेट है वो एक 5G कंपैटिबल चिपसेट बन जाए। तो दोस्तों गैलेक्सी A51 की जो चिपसेट है वो है एक्जिनोज 9611, जिसके अंदर कहीं भी 5G मॉडम नहीं पड़ा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली कह देता हूँ कि इस फ़ोन में आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा। मैं दोस्तों ये बता दूं कि इंडिया में बहुत ही जल्द 5G लॉन्च होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत टाइम इसमें लग सकता है आने में, क्योंकि अभी जो लाइसेंस बिकने हैं और भी बहुत कुछ होना है, ठीक है। तो 5G आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं ये आपको बात बता दूं कि एक 5G फ़ोन लेना एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू 4G फ़ोन। तो दोस्तों अगर भी आप 5G की सोच रहे थे, एक 5G फ़ोन लेने की सोच रहे थे और वो भी सैमसंग का, तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कोई भी 5G फ़ोन लॉन्च होने वाला होगा या लॉन्च हो जाएगा, मैं आपको एक वीडियो उसके बारे में दे दूंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।